सनकी आशिक है, तो ऑफ कोर्स ये फिल्म मारधार से भरपूर है। इन्होंने बता ही दिया है कि साउथ का टच हम लोग रखेंगे मारधार के लिए और इंटरटेनमेंट के लिए, मजे मस्ती के लिए, थोड़ा मजाक के लिए। मैं हूँ, मेरे साथ संजय वर्मा जी हैं, हमारी मेरी भी एक हीरोइन है, संजय की भी हीरोइन है। हम लोग सब इसमें बस एज यूजुअल मस्ती करेंगे, कॉमेडी करेंगे। इनके दोस्त हैं सनकी आशिक, यही बने हैं, विराज भट्ट जी हैं और इनके साथ और दूसरी हीरोइन भी हैं। तो मिला जुला के पारिवारिक फिल्म है, लेकिन वही कि आशिक कैसे सनकी हो जाता है और सनक क्यों जाता है, इसी पर आधारित है। सर, मेरा सवाल आपसे, पोस्टर में सनकी आशिक का पोस्टर काफी एक्शन लग रहा है, कॉमेडी कहा जा रहा है, कॉमेडी है, तो उसमें कॉमेडी बताइए किस तरह का कॉमेडी होगा। रात को इन्होंने फाइनल किया है, सो ये आप अभी इस डिजाइन पर मत जाइए, अभी डिजाइन बनेगा, प्रॉपर डिजाइन बनेगा। ये एक सिर्फ मुहूर्त के लिए फिलहाल बना के इन्होंने यहाँ पर रख दिया है, पर एक प्रॉपर स्टोरी के हिसाब से डिजाइन बनेगा, पोस्टर बनेगा, जो आपको अच्छा दिखाई देगा। इस डिजाइन देखकर, पोस्टर देखकर फिल्म, मतलब ऐसा नहीं कि फटा पोस्टर निकला हीरो, कोई वैसा नहीं रहेगा, लेकिन प्रॉपर पोस्टर है। हमार पहली फिल्म बाटे, जो ने फिल्म के नाम बा सनकी आशिक। एमा सनकी आशिक का किरदार हमार बाटे और बाकी के लीड में विराज भट्ट जी हैं, और आप लोगों के भरपूर मनोरंजन देवे खातिर के, भरपूर कॉमेडी के लिए हमारे के गोस्वामी जी हैं, और इनके साथ कॉमेडी में संजय वर्मा जी हैं, जो आप लोगों को भरपूर कॉमेडी का मनोरंजन देंगे। और दर्शक लोगों से हम ये चाहब, ये जौन हमार फिल्म आवत बाटे, एके हर लोगन के तरह ये फिल्म के भी आप लोग प्यार दुलार दिहल जाई। आप लोगों से हाथ जोड़ के रतन लाल यादव की तरफ से ये कामना बाटे कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में जब ये पिक्चर रिलीज होई तो आप लोग आ करके और ये फिल्म के देख के सफल बनाल जाई, जौना में आप लोगों के मनोरंजन में सब कुछ देखे के मिली, सब कुछ मनोरंजन से भरपूर बाटे, फाइट भी जबरदस्त बाटे जौन साउथ एक्शन में देखे के मिली, मनोरंजन में और भी रोमांटिक से लेकर के सब कुछ सीन बाटे, गाना भी एक से एक बाटे, जौना में छोटे बाबा जी अपन भरपूर म्यूजिक का ताकत लगावत बाने। अभी आज तो मुहूर्त हुआ है, अभी शुरुआत कर रहे हैं हम लोग, आज पहला दिन है इस फिल्म से रिलेटेड जो भी। इसके बाद अभी हम लोग स्क्रिप्ट के पे, इन्होंने जो डायरेक्टर साहब ने हमारे काम किया है, उसके बाद उसमें जो सिचुएशन मिलेगा हमको उस पर हम लोग बैठ के काम करेंगे, और हमारी ये कोशिश होगी कि अच्छे से अच्छे संगीत जो स्क्रिप्ट के अनुसार बनाए, जो दर्शकों को, श्रोताओं को पसंद आए, अच्छा लगे। अभी बैठ के हम लोग इस पर डिसाइड करने वाले हैं क्या क्या होने वाला है। अभी ये पहला दिन है, अभी शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले मैं भोजपुरी इंडस्ट्री को धन्यवाद दूंगा, जिसने इस काबिल समझा कि मैं इस फिल्म को डायरेक्ट करूं, और हर हर महादेव प्रोडक्शन को भी। बस यही है कि ये फिल्म बहुत अच्छी बने, दर्शकों को पसंद आए, क्योंकि इस फिल्म को जो मैंने देखा है, स्क्रिप्ट देखी है, बहुत अच्छा है। एक तरह से बोला जाए तो सोच बदले समाज बदलेगा, वैसा कॉन्सेप्ट है कि अगर आदमी ये मूवी देखता है उसकी भी सोच भी बदलेगी और उसके साथ समाज भी बदलेगा। एक्चुअली मेरे को यहाँ पे, मैं सहनिर्माता और एक्टर भी हूँ, अभिनेता भी हूँ, तो जब भी अनिल विश्वकर्मा ने मेरे को स्टोरी सुनाई तो मैं रतन भैया के पास गए थे, स्टोरी अच्छा लगा तो हम लोग ने बोला इस पर वर्क करेंगे, कुछ अलग डिफरेंट स्टोरी। मैं भी इसमें सेकंड लीड कर रही हूँ, जो वो सनकी आशिक है उनकी गर्लफ्रेंड बनी हूँ। तो फिल्म है सनकी आशिक, एक समझे कि रियल बेस पे आधारित है, और ये आशिक ऐसा आशिक नहीं कि जो सिर्फ लड़की के लिए पागल है, एक सनकी आशिक एक करेक्टर है जो हर चीज़ के लिए सनकी है, चाहे लोगों की भलाई करना हो या किसी तरह की प्रॉब्लम है किसी को, तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो फिल्म का करेक्टर है हीरो, वो हमेशा तैयार रहता है। बस हम तो इंसानियत के सनकी है कि जो इंसान है एक दूसरे से प्रेम करे, अच्छे से रहे, बस इसी के सनकी हैं हम लोग। सनकी आशिक के टाइटल से आप समझ सकते हैं कि जो आशिक है वो सनकी है,
वो सनकी अपने प्यार के मामले में हो सकता है, वो सनकी अपने करियर के बारे में हो सकता है, सनकी है वो, लेकिन किस चीज़ में है उसको रहस्य रहने दिए तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि पब्लिक को मजा आए। पिक्चर बहुत अच्छी है, हमारे प्रोड्यूसर साहब अपने रतन जी हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और उसमें सेकंड लीड सनकी आसिका कर रहे हो, और बाकी तो पिक्चर आएगी आप लोग देखेंगे।